गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत और बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं यार दोबारा से। पर लेकिन अभी आज हम करने वाले हैं कुछ यूनिक मॉडिफिकेशन जो मैंने देखी थी S1000RR में, अलग से इंडिकेटर लगाने पड़ते हैं, तो वो इंडिकेटर आज हम लगाएंगे अपनी R15 में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट लगाने के लिए हमें ऑब्वियसली लाइट ही चाहिए, तो लाइट का हमें मिला 150 रुपये का पेयर, मतलब दो, तो हमें 6 चाहिए थी, 3 इधर और 3 इधर। एक अभी मेरे पास निकल चुकी है, वो तो है दूसरी अभी। पहले हमने से काम चलाओ लगाई थी, इसका लुक एक बार एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा, पर लेकिन अभी इसको थोड़ा परमानेंट जुगाड़ करने वाला है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। ये पत्ती जो हमने बनाई है इसकी भी अभी वीडियो में आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से लेके आए थे ये। गाइस वी हैव डन दिस जुगाड़। पतरे की दुकान होती है जो पतरा लोग बनाते हैं ना, आप इन शॉप पे आके ये वाली चीज बना सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगा वो चीज है क्या। ये अंकल ने बना दी, दो कर लेगा इसके। हाँ जी आते आते इसके दो कर दो। ये लो भाई, ये पत्ती मार्केट में इजीली मिल नहीं थी, तो हमने ये कस्टम मेड ही बनवा ली एक तरह से। तो भाई बन गई ये पत्ती, जो थी पत्ती हमने ऐसी कटवाई थी पहले ये वाली, और पत्ती के बाद हमने इसमें छेद भी कर दिया अंकल ने यहाँ पर। टाइम टू स्प्रे दम। वोल्ट्स। वैसे जो मेन मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो मेन वायरिंग है वो यहाँ पे है, ये देखो जो इंडिकेटर की स्टॉक वायर होती है ना वो ही सारी। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पूरा खोलना ही पड़ेगा, और इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके खुलवाना है, आप घर में भी इसको कर सकते हो इजीली। हमारा तो हिट एंड ट्रायल पूरा का पूरा मेथड है, मैंने अब तक किसी R15 में या किसी बाइक में ये नहीं देखा। बस ये लाइट मुझे दिख गई थी ऐसे, और लाइट का पूरी फंक्शनिंग एक वीडियो में मैंने आपको समझाई भी थी, शॉर्ट वीडियो थी। तो इसकी एक वायर जो है इंडिकेटर के उसमें जाएगी, फेस में जाएगी, और दूसरी वायर एक उसमें जाएगी अर्थ में जाएगी, और एक वायर जाएगी अर्थ में ब्रेक लाइट की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको खोल लेते हैं। पहले इसको मैं डिसमेंटल कर रहा हूँ, जो हमने पहले जुगाड़ किया था एक, पहले उसको हटाएंगे हम सही से, उसके बाद मैं आपको पूरा कनेक्शन समझाऊंगा इसका। ये वाला जो वायर है मैं आपको बता दूं, ये वायर तांबे का वायर है। ये वाला जुगाड़ सक्सेसफुल रहा नहीं, अभी जो ये वाला कर रहे हैं देखेंगे वो वाला कितना सक्सेसफुल रहता है। अब ये लास्ट वाला पार्ट है, ये पार्ट खोलते के साथ ही हम अपनी मेन वायरिंग तक पहुंच जाएंगे। ये वायर एक्सेस करने के लिए हमें मेन ही पूरा तामझाम खोलना पड़ा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन वायर है हमारी, जो ये वाला हार्डनेस है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बस मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है क्या। जो वायर है ये अभी इस वाले इसमें से निकली है, आप इसे तब भी खोलोगे बाइक में से तो ये सारी वायर निकलेंगी। जो ये वाली हमारी वायर है, ये हमारी है ब्रेक लाइट की वायर। चलो इसको खोलते नहीं है, खुली नहीं रही है क्योंकि मेरे से आज की, पहले मैं इसको ऑलरेडी एक बार खोल चुका हूँ। इसमें तीन वायर है अंदर, ब्लैक, ब्लू एंड येलो। येलो वायर से आपको छील के एक वायर निकालनी है, ये रेड वाली, रेड या ब्लैक कुछ भी, एक वायर आपको निकालनी है। वो वायर कहाँ जाएगी वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो वायर है हमारी, सबसे पहले आप ये वाली वायर देखो, ये जो दो वायर है और ये जो दो हमारी, ये वाली जो दो वायर है, ये एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये हमारे इंडिकेटर की वायर्स। तो इंडिकेटर के साथ ये वर्किंग है, तो जो इधर की होंगी वो इधर के इंडिकेटर के वायर्स में इनकी वायर जाएंगी, और जो इधर की होंगी इधर के इंडिकेटर में इसकी वायर जाएंगी। और जो एक ब्रेक वाली वायर है वो है ये रेड वाली, जो भी मैंने कहा था ना कि छील के निकालनी है, वो ये वाली है। ये वाली वायर कंबाइन है, छठी की छठी लाइट में ये वाली वायर जानी है। अभी एक बार से खोल लेता हूँ फटाफट से, फिर आपको दोबारा समझाता हूँ मैं एक्चुअली बोल क्या रहा था। नॉट द टाइम फॉर द कनेक्शन। मैं पहले आपको एक लाइट का कनेक्शन करके दिखाता हूँ, उसके साथ फिर ये कंबाइन कर करके हम सारे कनेक्शन कर लेंगे, फिर तो ईजी हो जाएगा काम। अभी जो इंडिकेटर वाले हैं सबसे पहले मैं वो कर रहा हूँ। रेड वाली आपको अभी नहीं छेड़नी, क्योंकि रेड वाली हर लाइट की जो रेड वाली वायर है
वो जाएगी ब्रेक लाइट में, ठीक है। चला कोई सा इंडिकेटर जल्दी। अभी ये हो क्या रहा है, ये है इंडिकेटर। अभी ये हमने जो इंडिकेटर दिया है लेफ्ट वाला इंडिकेटर, तो लेफ्ट इंडिकेटर पे ये इस तरह से ब्लिंक कर रही है। जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो रेड वाला वायर है वो जाएगा आपका ब्रेक के वायर में, जो हमने ये येलो वाली पील ऑफ करके निकाली है, छील के येलो वायर में कनेक्शन करके ये वायर निकाली थी, लास्ट टाइम निकाली थी। अगर अभी दोबारा देखना चाहते तो मैं अभी दोबारा भी दिखा दूंगा आपको। ये हमने इसमें लगा दी, अब इंडिकेटर चल रहा है, बट अगर हम ब्रेक दबा देंगे तब आप इसका एक्शन देखना, एक्शन चेंज रहेगा। ब्रेक दबाओ, ये देखो ये ऐसे होने लग गया। अब हमें करना क्या है, इस तरफ की जो लाइट है उन सबका कनेक्शन हमें इसके इंडिकेटर के साथ करना है, और इसके साथ तो करना ही करना है, ब्रेक वाले के साथ, क्योंकि जब भी ब्रेक दबेगा तो 6 की 6 लाइट जलनी है। तो सबका मैं एक करके दिखाता हूँ फटाफट से। चलो ये वाली पत्ती अभी आपने देखी, हम वहाँ से बनवा के लाए थे एक अंकल जी के पास से। अब ये पत्ती आपको लगानी कैसी है और इसमें कैसे लगेगी वो एक बार दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा। एक बोल्ट दो भाई 10 नंबर का, जो बोल्ट है ये वाले, ये पूरा बोल्ट हमारे काम का नहीं है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए इसका नट, 2 नट लेना है अपन ने। पहले एक नट चढ़ाया और ये पत्ती, ठीक है भाई। इसमें आप देखोगे एक छेद हमने बड़ा कराया था जाकि ताकि इसमें आ रहा है, और 2 हमने छोटे कराए थे। अब ये यहाँ तक आ गया, अब इसके पीछे हम दूसरा जो अपना बोल्ट है वो टाइट कर देंगे। हेयर इट इज। और ये वाले जो पेंच है ये हमारे जाएंगे बॉडी में और इस पत्ती के साथ, मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ एक। हेयर इट इज ऐसे दीजिएगा। इट्स डन गाइस। पहले उल्टी लग गई थी यार, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम तो हिट एंड ट्रायल मेथड पे हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे अपना मतलब बनता है, बट आप लोग देख के करोगे तो एक ही बार में कर देना। ये वाली जो चीज़ है ये पीछे आनी चाहिए, और अब हम अपनी लाइट लगाएंगे इसमें। ओ भाई, अब इसके पीछे में 10 नंबर का बोल्ट ऑफिस से लगाना है, जो मैंने पहले भी लगाया था। एक का प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया पूरा, अब मैं आगे की 6 लगा दूँ, उसके बाद आपको वापस से मिलता हूँ। लगा दी भाइयों हमने, 3 उधर 3 इधर, पूरी 6 की 6 हमने लगा दी, और टाइम लैप्स आपने देख ही लिया होगा। और अभी हमें करना क्या है, जो एक तरफ के 3 है ये 3 लेफ्ट इंडिकेटर पे एक साथ जलनी है, तो हमें इन तीनों के जो वायर हैं सेम कलर के एक साथ में वाइंड अप कर लेना है, येलो येलो और एक हमारा ये वाला येलो, ठीक है। अब ये एक साथ फंक्शन करेगा हमारा, ये आ गया, और इसके साथ एक कनेक्टर, ये वाले जो कनेक्टर है ये मेल कनेक्टर है, जो हमारे मेन बाइक की वायरिंग के इंडिकेटर वाले उसमें जाएंगे। हम कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं येलो के साथ, आप ये वाला कलर यूज़ कर लो, ये हर बाइक में वेरी कर सकता है, आपकी बाइक में मे बी अलग कलर का ये वाला हो वायर, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, जो भी होगी आप लगा देना। और जो ब्लैक वाली है वो हम ब्लैक वाले के साथ करेंगे, एक ये वाला ब्लैक है हमारा। भाई वायरिंग काफ़ी देख के करना, क्योंकि बहुत सारी वायर हो जाती हैं एकदम से, छोटी छोटी वायर, और फिर उनको ना अरेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये इस तरफ की हैं तीनों ब्लैक वायर, और अब बची हमारी रेड वाली। रेड वाली हमको 6 की 6 एक साथ करनी है, तो हम इनको यहाँ पे अलग अलग नहीं कर रहे, उसमें बेवजह के खामखा मतलब ज़्यादा टेंशन उसमें क्रिएट होगी,
ये तीन हमने छोड़ दिए अभी के लिए, तीन हम उधर की टीम के साथ करेंगे। अभी जो हमने सेम चीज़ ब्लैक और येलो के इधर वाले में करी है वही सेम चीज़ हम इधर करने वाले हैं। अभी हमने जो कनेक्शन करे हैं ब्लैक वाले पूरे ब्लैक के साथ जोड़ दिए, और एक हमने मेल कनेक्टर के साथ जोड़ दिए जो बाइक के फीमेल कनेक्टर में जाएंगे, वो यहाँ पे है मेन वायरिंग में। अभी बस इस पर कुछ नहीं करना, हमें लास्ट टेप लगानी है, उसके बाद वी आर ऑल सेट टू टेस्ट आवर लाइट्स। अभी हमने करना क्या है, जैसे हम ये राइट हैंड साइड वाला है तो हमने राइट हैंड साइड वाला इंडिकेटर चलाया, इंडिकेटर चल गया हमारा राइट हैंड साइड वाला। अब हमें चेक करना है कि राइट हैंड साइड वाला है कौन सा, जो इसकी आप मेन वायर में देख लेना जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला का मतलब है कि ये अर्थ का है, तो ये अर्थ में ब्लैक ही जाएगा बस। और उधर से आप ये चेक कर सकते हो, ये नहीं जला, इसका मतलब जो दूसरा वाला है, ये देखो इधर आओ, जो दूसरा वाला है ये इसके साथ जलेगा, ये लो, ठीक है गाइस, डन। अभी मैं लेफ्ट वाले कनेक्शन कर लूं, उसके बाद आपको दोबारा से वापस मिलता हूं। लास्ट कनेक्शन द मोस्ट इम्पोर्टेंट कनेक्शन ऑफ दिस वायरिंग, जो भी है, जो मैं रेड वाले हैं वो सारे में रेड वाले वायर्स के साथ कनेक्ट करने हैं अभी, तब ये जो 6 के 6 हैं वो एक साथ ब्लिंक करेंगी उस पर। नाउ इट्स कनेक्टेड टू द लास्ट कनेक्शन, और अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक पे इसका लुक क्या आने वाला है, दिखाओ भाई। वो इट्स ऑल डन भाई लोग, सब पैक कर दिया मैंने, अब कुछ नहीं रहा इसमें करने के लिए, मतलब अब तो बस ये पैक ही करना है पूरा। तो अब इसको दिखाते हैं आपको बैक टू बैक कैसे पैक करनी है। सबसे पहले तो ये जो लोहे वाला पीस है यही जाएगा सबसे पहले, और यही मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज़ है इसमें पूरे प्रोसीजर में, कि ये जो वापस लगानी है ये लगती कैसे है। हम भी इसमें लास्ट टाइम काफ़ी कन्फ्यूज रहे थे। लास्ट प्रोसेस बस ये गद्दी बंद करनी है, और इसे ये वाला जो टूल है वो हमारे पास भी नहीं है इसकी गद्दी बंद करने का, तो वो हम बाहर मिस्त्री से करा के ले आएंगे। ये बस फिट हो गई है, और अब आप देखना इसके नाइट शॉट्स। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है इसी चैनल पे, इस बाइक का एवरेज एग्जॉस्ट लगाने के बाद कितना देती है, दिखाओ भाई एग्जॉस्ट, इसकी आवाज भी सुना देंगे आपको। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।